Hello guys, welcome back to Ambrose India. This is Rehan. And this is Sahil. So today we are going to watch Psycho Saiyaan from the movie Saaho, starring Prabhas, Shraddha Kapoor. So Tanishk Bagchi ke music hai is song mein. Aur ye song ki request humne jab teaser pe reaction diya tha, tabhi se aa rahi ki song aa chuka hai aur please us pe reaction dijiye. Right. Finally hum song pe reaction de rahe hain. Right. Aapko kuch baatein nahi pata ho to bata dein. Isme Tanishk Bagchi ka music hai. Wo actually Bangla name mein na thoda nikalne mein problem karta hai. So उनका नाम है ध्वनि भानुशाली. उन्होंने सिंग सॉन्ग को गाया है. Right. तो होप ये सॉन्ग बहुत अच्छा हो क्योंकि हम टीजर में सुन ही चुके हैं. टीजर में तो मजा आया था. सॉन्ग में ही मजा आएगा. सॉन्ग में देखते कितना मजा आएगा. फुल सॉन्ग आ चुका है. साहो का फर्स्ट सॉन्ग है तो एक्साइटेड बहुत है हम सुनने के लिए क्योंकि बहुत बड़ी मूवी है साहो. यार सारी अपडेट मिलती रहेगी साहो की. तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करो. तो देखते हैं वीडियो आगे डिस्कशन करें. हियर वी गो. सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज इंडिया को इस रेड बटन को दबाकर और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए हमारे वीडियो सबसे पहले. हैंडसम लग रहा है भाई. मुझे घूर तू काय को के झूठे वादे करके बलाई गई. ना जाने कितनों को रुलाई गई. उठ मुख से दिल को चुराई गई. आजा तुझे लेके चल चाय को चाय को. ओ सैया सैया वे ओ सैया सैया वे छोड़ को लैया मोर के भैया जल्दी से सड़ो सड़ो आई एम और सैया साइको. खतरनाक एक्शन है यार. यहाँ पे टल्ली सॉन्ग वॉज वेरी नाइस. सॉन्ग इज मतलब बोलना ही पड़ेगा ना यार. अमेजिंग तो बोलना ही पड़ेगा. सॉन्ग की बात क्या करें. बात करें लुक की. अगर हम सॉन्ग में लुक की बात करें तो हमने पहले ही कहा था प्रभास इज लुकिंग स्टनिंग एंड ऑब्वियसली यार शी इज क्यूट एंड हॉट आल्सो यार. सो सो क्यूट यार. कितनी क्यूट भी लग रही है. हॉट भी लग रही है. तो लग रही है. और जो रिएक्शंस है उनमें बिल्कुल क्यूटनेस नज़र आ रही है. और जो क्यूट सी वॉइस है ध्वनि भानुशाली की आवाज़ में तो वो क्यूटनेस फिट हो गई वहाँ पर. अगर आवाज़ की बात करें तो बिल्कुल फिट कर रही है श्रद्धा कपूर को यहाँ पर वो आवाज़. इनको ऐसा बोल सकते हैं क्यूट एंड हॉट एट द सेम टाइम. सेम टाइम क्यूट एंड हॉट एट द सेम टाइम ये यहाँ पर बनता है. राइट. आप बोल सकते हो कमेंट करके कि ये क्या सच है. सच है तो प्लीज़ बोलो क्यूट एंड हॉट बेस्ट है. तो बात करें यहाँ पर हम प्रभास की. मैंने प्रभास की लिपसिंग देखी है बहुत गौर से. मुझे लग रहा है प्रभास ने तेलुगु में लिपसिंग करी है. हाँ इसको जो शूट किया होगा तो. जबकि श्रद्धा की लिपसिंग मुझे हिंदी में नजर आ रही थी. Right. तो आई एम कंफ्यूज कि क्या दोनों सॉन्ग अलग अलग बजाए. तो मुझे लगता है
तब ये जो श्रद्धा कपूर नॉर्थ इंडिया का रोल कर रही है ना, नॉर्थ इंडियन का रोल कर रही है, ये तो मुझे पता नहीं है नॉर्थ इंडियन का रोल कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने सुना है कि श्रद्धा कपूर नॉर्थ इंडियन का रोल कर रही है और प्रभास साउथ इंडियन का रोल कर रहे हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो मे भी हो सकता है कि सॉन्ग में दोनों मिक्स कर दें। हाँ, क्योंकि ये मूवी नॉर्थ इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पर रिलीज हो रही है, तो हो सकता है ऐसा किया। सॉन्ग तो खैर उन्होंने हर लैंग्वेज में रिलीज किया है, आई डोंट नो कि क्या हर लैंग्वेज में डब हुआ है। डब हुआ है तो हो सकता है कि सिंगिंग भी उन्होंने की हो जिन्होंने ये वाला हिंदी गाया है, तो ये भी हो सकता है कि इसका फायदा उन्हें मिल जाए। और लिपसिंग वैसे लग नहीं रहा है, पकड़ में नहीं आ रही, बहुत गौर से मुझे देखना पड़ा तब जाके मुझे समझ में आया right. कि प्रभास की लिपसिंग कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है सॉन्ग right. से तो right. मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है वो तेलुगु में लिपसिंग कर रहे हो, सही है। जो भी सॉन्ग को पकड़ के बोलते हैं ना, गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉन्ग को लिपसिंग ही बोलते हैं, तो वो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरे को समझ में। लेकिन हाँ, इस सॉन्ग के एंड में जो चीज़ें दिखाई ना, वो सही में शॉर्ट दी जाती है। इसके टीजर में भी एक क्लिप दिखाया था छोटा सा, वो बाइक वाला, हाँ वो मजा आ गया था देखकर। और लेकिन यहाँ पर टल्ली तो होगी श्रद्धा कपूर right. और इससे यहाँ से शायद इनकी फ्रेंडशिप होती होगी, हाँ यहाँ से इनका प्यार शुरू होता होगा मेरे साथ। और उसके बाद तो एज ऑलवेज जैसे इंडियन मूवीज होती हैं, लेकिन इसमें होने वाला है बहुत ज्यादा एक्शन, इसमें होने वाला वो भी हॉलीवुड लेवल का। तो गाइस वेटिंग, आई एम वेटिंग, वो बोलते ना किसी भी साउथ मूवी को हिंदी में डब करते हैं तो कोई हीरो अगर किसी को बोलता है कि वेटिंग, तो वही बोलता है आई एम वेटिंग वो वाला। सो वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस। सो गाइज, आप लोग बताइए आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा है, हमारी बातें कैसी लगी, अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी और तो बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में मिल जाएंगी, तो उसके लिए आप हमें लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।